पाकिस्तान <laughs> की सहावत में ना एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने देखी है अबाउट माई सीनियर्स लेकिन uh, हमारे जो पुराने जर्नलिस्ट हैं ना खासतौर पर वेरी एक्टिव इन द 90s दे स्टिल नॉट बीन एबल टू अडेप्टन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द जर्नलिज्मी टू और टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ओनली डिफरेंस मैं सोशल मीडिया के ऊपर आई वॉज एक्टिव टू थाउजेंड टेन इलेवन से मैं देख रहा हूँ वही ट्रेंडिंग किस तरह होती है ट्विटर पर क्या होता है फेसबुक पे क्या होता है यूट्यूब पे क्या होता है आज के सहाफी को खासतौर पर कहूंगा बल्कि मैं एक दो जगह के ऊपर जब मैं वर्कशॉप में गया मुख्तु यूनिवर्सिटीज में जाकर मैं कहा मैंने कहा स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट क्या रोना धोना लगाया वो ट्रेंड चल गया

मैं तू मैंने कॉल क्यों करना कहना है, मेरे पिछले पे ने तेरा खाता कड़ी है। की है तेरे को मैं तू इना गरीब आदमी सिर्फ है? है तो मैं 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 कहता है, हमने ये भी चेक किया तू दस मिनट के घर में रहता है किधरों लेके आवा ये हसन तो मेरे घर आया भी हुआ तो मैं मैं किधरों लेके आवा कहता यार हमारे वो पीछे पड़े हुए मंसूर अली खान का कुछ निकालो सो दे और इसका एक मकसद है सिर्फ एक मकसद ये जो ट्रोलिंग होगी स्टॉप स्पीकिंग स्टॉप स्पीकिंग बोलना बंद कर दें ना कहें इनके लीडर को कुछ ना कहें आप, जाएं थोड़ा आप ये आपके ऊपर जितना अटैक करेंगे यू हिट देम हार्ड एज हार्ड एज यू कैन उतना ही करें ये ये लोग मुझे कहते हैं वो जी आपको खान साहब से इतना मसला है भाई इसलिए क्योंकि आप मैं आ, आपके साथ एक स्टार्ट शेयर करता हूँ ये मेरे फोन में भी पड़ा हुआ है पाकिस्तान के टॉप टेन यूट्यूबर्स जो करंट अफेयर्स के ऊपर काम करते हैं इमरान रियाज खान बड़े बहुत से लोग हैं भाई नौ प्रो, हैं। hmm, ही। नौ प्रो है yes, तो इतनी बड़ी पलटून खड़ी हुई हुई है जो खान साहब की दिन रात बैठ के तारीफे करती है इस तरह नहीं है ये है असल कहानी लेकिन मंसूर फैमिली पे क्या इंपैक्ट होता है फैमिली मैंने, को कैसे और मैंने, है? उनको समझा लिया है मैंने उनको काफी समझा लिया है वो ना वो हो गए तैयार हो गए वो जिनको कहते हैं ना मैं

हो गया दूसरा खबर मैं आपको देता हूँ ये मैंने खुद अपने व्लॉग में अभी तक नहीं दी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जब वो रिटायर हो चुके थे शबाज शरीफ साहब उनसे मिलने के लिए गए थे ठीक है मतलब वो चाय पीने के लिए उनके पास गए थे तो वो इज्जत और रिस्पेक्ट का रिश्ता ऐसा है आपस में

ते मरियम चौक मरियम, स्टार्ट, ते मरियम, मरियम स्टार्ट। स्टार्ट। उतने उसने इतनी फरमा बर्दारी दिखाई है इस सारे मामले के अंदर वो, so, I mean, वो थ्यूरी को निगेट करते हैं इंटरेस्टिंग बात यह भट्टी साहब ने ये खबर अपने प्रोग्राम में दी होगी किसी ने भी देखी होनी लेकिन सलाम है न्यू टीवी सलाम है न्यू टीवी के वो जो भी वेब के ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना उनके रिश्तेदार के वो किसी ने किधर कोई बात की उसको उठाया सुनता है वो। वो उसको बैठ के हेडलाइन बनाया सीनियर साफी का दावा अच्छा जो, जो खबर खोल के देख दो आरफी पट्टी ने क्या <laughs> अब ये पहले भी हुआ था जब शाहिद खा गानी साहब के जी मामले जी में जी हुआ जी था जी वो वहां से भी किसी ने नहीं देखा हुआ था किसी ने क्योंकि थ्योरीज इस तरह की देते रहे हैं। गया आप, गया गया। आप पिछले तीस चालीस वो इनके प्रोग्राम उठा के देखे ना बख्श काम किया जाता है तो लेकिन नियो टीवी का सलाम है उनके वेब वालों को अपने लाइक्स और शेयरिंग की खातिर जो है ना वो शाह खागान अबासी साहब ने भी के उस वक्त कहा था नियो टीवी को पता है कि मैंने पता नून, नून लीग छोड़ दी यस या उन्होंने कहा था बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं पता लेकिन लेकिन इसमें जो असल में सवाल है ना वो ये वाला है कि अगर नून लीग की हुकूमत जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल सिक्स की कार्रवाई करती है कर भी देती है तो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीए के तल्लु कैसे खराब हो जाएंगे इससे मुझे वो याद आती है एक जुगत ही उसमें कहता है कि जी वो एक मैनू मंजी दे दो तो मैं तो मैं पिंडों आया तो वो आगे से कहता है कि यार साढ़े को दो ही मंजिया हैं एक तो मैं ते मेरी अम्मी जी सोते हैं एक मेरी बुढ़ी तो मेरे बजी जी सोते हैं उन्होंने कहा यार तू ना दे मंजी तरतीब सीधी कर तो यहाँ पर मसला ये है कि भाई नून लीग से अगर इस्टेबलिशमेंट के खिलाफ नून लीग ने ऐसा कुछ किया तो ये तरतीब तो सीधी होनी चाहिए ना कम से कम मैं तो सिंपल सिर्फ एक बात करता हूँ आप ना आ, मैं भी चंद थोड़ी देर पहले भी ये यूट्यूबर्स की बात कर रहा था आप थमने उठा के देखा करें देखे। मेरे मुताबिक आज से साल पहले शरीफ खानदान खत्म हो चुका है, है। डेढ़ पहले नून तितर बितर हो चुकी भी है, है।, है। हाँ। पाकिस्तान पार्टी का भी मकू ठप दिया गया कप्तान नहीं चलना है इसराइल की आपको पता है प्यूटन रात को सोने से पहले खान साहब की किताब पढ़ता ठीक है वो उसके ऊपर भी तस्वीर आ चुकी हुई है जो बाइडन ना वो कहता है जे खान मेरी दोस्ती ना हुई ना तो मैं अमरीका मेरा टूट जाएगा <laughs> उसको जो मुश्किल आ रही है <laughs> वो इसी वजह से यारियों से मेरा दिल उठ जाएगा नरेंद्र <laughs> मोदी को इस बात का डर है जे इन्होंने किसी दिन वाघा टप लिया थी। तो बीजेपी की गवर्नमेंट गई इंडिया ठीक है तो इस किस्म के तो कोई पता नहीं खान साहब क्या भी दें कि मैं मोदी से ज्यादा इंडिया में